अब सुनो सब बच्चे, सबसे पहली चीज मैंने आपको इस चैप्टर में पढ़ाई कि चैप्टर किस चीज के बारे में है, वो मैंने आपको इसलिए बताया कि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज जाते हैं कि इस चैप्टर में हम डिफरेंशिएशन करेंगे, लेकिन इस चैप्टर में कहीं कोई डिफरेंशिएशन नहीं होगा। इट इज ओनली अबाउट द एबिलिटी टू चेक द एबिलिटी ऑफ द फंक्शन वेदर इट कैन बी डिफरेंशिएटेड और नॉट। पॉइंट नंबर वन मैंने आपको पढ़ाई दिया। पॉइंट नंबर टू, अब जिस चीज की एबिलिटी टेस्ट कर रहे हैं उसके बारे में तो जाने, तो हमने पता किया कि भाई डेरिवेबल होने का मतलब क्या है। डेरिवेबल किससे कनेक्टेड है? ज्योमेट्री से। अगर किसी पॉइंट पर यूनिक टेंजेंट एग्जिस्ट करेगी तो हम बोलेंगे गिवन फंक्शन डेरिवेबल है, और अगर किसी पॉइंट पर यूनिक टेंजेंट एग्जिस्ट नहीं करेगी तो हम बोलेंगे गिवन फंक्शन डेरिवेबल नहीं है। बिल्कुल हमारा कंसेप्ट क्लियर है। अच्छा, टेंजेंट को भी थोड़ा सा मैंने आपको समझाया कि अगर हमारे पास कोई भी कर्व है तो आप किसी पॉइंट पर टेंजेंट खींचना चाहते हैं तो टेंजेंट की मैथमेटिक्स के पीछे जाएं तो टेंजेंट इज अ लिमिटिंग केस ऑफ सीकेंट। टेंजेंट इज अ लिमिटिंग केस ऑफ सीकेंट। तो आप लेफ्ट हैंड साइड की सीकेंट खींचें और धीरे धीरे इसको करीब ले आए, और आप राइट हैंड साइड की सीकेंट खींचें और धीरे धीरे इसको करीब ले आए। अगर दोनों आपस में कोइंसाइड कर जाएं, दोनों के दोनों मिलके एक सिंगल टेंजेंट बन जाए तो हम बोलेंगे यूनिक टेंजेंट एग्जिस्ट, और अगर नहीं बनी तो बोलेंगे नो टेंजेंट एग्जिस्ट। नो टेंजेंट एग्जिस्ट को मैथमेटिक्स में कहेंगे नॉन डेरिवेबल, और टेंजेंट एग्जिस्ट को मैथमेटिक्स में कहेंगे डेरिवेबल। ये दो बातें हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। आइए तीसरी बात, हम डेरिवेबिलिटी की भावना को समझ गए, डेरिवेबिलिटी के मीनिंग को समझ गए, डेरिवेबिलिटी का कांसेप्ट समझ गए। अब हम आएंगे डेरिवेबिलिटी की मैथमेटिक्स पर। सब बच्चे प्लीज बोर्ड पर देखें, आज गजब की बात मैं बताने जा रहा हूं। अब मैं बताऊंगा मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ डेरिवेबिलिटी। मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ डेरिवेबिलिटी। आइए डेरिवेबिलिटी की मैथमेटिक्स पर आए। सब बच्चे बोर्ड पर ध्यान देखते हैं, सब बच्चे बोर्ड पर बहुत ज्यादा ध्यान देखेंगे, बहुत ज्यादा ध्यान। कंसिडर करिए एक कर्व, यह हमारे पास कोई कर्व है जिसकी इक्वेशन है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। प्लीज ध्यान दें, सब समझ में आएगा, बहुत अच्छा चैप्टर है, काम का चैप्टर है। यहीं से अपन एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव को रिलेट करेंगे, उसी से ज्योमेट्री रिलेट होती है। एक हमको कर्व दे रखा है y इक्वल टू एफ एक्स, कर्व के ऊपर कोई पॉइंट है एक्स इक्वल टू एक्स, कोई पॉइंट है, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग फंक्शन की वैल्यू कितनी हो जाएगी एफ ऑफ एक्स। इससे जरा सा आगे एक पॉइंट लेते हैं तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट आ जाएगा एक्स प्लस एच, ए ले लो, चलो ए ले लेते हैं, एक्स इक्वल टू ए एक पॉइंट है, तो यहां पर ए कितना आ जाएगा एफ ऑफ ए। इससे जस्ट आगे वाला पॉइंट आ जाएगा ए प्लस एच। एक पॉइंट अगर इसके पीछे ले लो तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा ए माइनस एच, ये एच दूरी आगे है एच दूरी पीछे है। इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो वाई कोऑर्डिनेट निकल के आएगा वो एफ ऑफ ए प्लस एच निकल के आ जाएगा, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो वाई कोऑर्डिनेट आएगा वो एफ ऑफ ए माइनस एच निकल के आ जाएगा। तो ये हमारे पास निकल के आ गया एफ ऑफ ए माइनस एच, एफ ऑफ ए और एफ ऑफ ए प्लस एच। क्या बात समझ में आई? अब आइए किसी भी दो पॉइंट को जोड़ने वाली लाइन का स्लोप कितना होता है, वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन। ये हम जानते हैं लाइन का स्लोप होता है। इस पॉइंट को कह देते हैं ए, इस पॉइंट को कह देते हैं बी, इस पॉइंट को कह देते हैं सी। तो ए बी जो सीकेंट है ये राइट हैंड साइड पर बनाई है, तो मैं बोलूंगा स्लोप ऑफ सीकेंट ऑन राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड पर जो सीकेंट बने इसकी स्लोप वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन। ये राइट हैंड साइड पर क्या आ गई, सीकेंट की स्लोप। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? अब जब इन दोनों बिंदुओं में डिस्टेंस जीरो को टेंड करेगा, बी पॉइंट थोड़ा करीब आया और करीब आया, बिल्कुल करीब आ गया, तो लिमिटिंग केस क्या दे देगा, टेंजेंट। तो मैं यहां पर लिखूंगा कि स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑन राइट हैंड साइड इज नथिंग बट लिमिटिंग केस ऑफ सीकेंट ऑन राइट हैंड साइड विच इज नथिंग बट लिमिट एच अप्रोचेस जीरो एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच। एच अगर जीरो को टेंड करेगा तो ये दोनों पॉइंट के बीच में डिस्टेंस भी जीरो को टेंड करेगा। तो राइट हैंड साइड पर सीकेंट का जो लिमिटिंग केस है वो राइट हैंड साइड की टेंजेंट का स्लोप है, और इसी चीज को हम लोग कहते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव। क्या कहलाता है ये? राइट हैंड। अभी राज खुलने वाले हैं बहुत सारे,
और इसी चीज को हम लोग कहते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव. दिस क्वांटिटी इज नोन एज द राइट हैंड डेरिवेटिव. सो व्हाट इज राइट हैंड डेरिवेटिव? इट इज द स्लोप ऑफ द टेंजेंट ऑन राइट हैंड साइड. कोई दिक्कत? बोर्ड पर घूरते रहे. ऐसे ही मैं लिखना चाहता हूं कि स्लोप ऑफ सीकेंट ऑन लेफ्ट हैंड साइड. लेफ्ट हैंड साइड पर सीकेंट का स्लोप, तो सिंपल बात है y2 टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन. ये तो स्ट्रेट लाइन में पड़ा हुआ है, कोई नई बात तो है नहीं. अब आ जाइए यहां पर, अगर मैं बोलूं कि स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑन लेफ्ट हैंड साइड इज नथिंग बट लिमिटिंग केस ऑफ सीकेंट ऑन लेफ्ट हैंड साइड विच इज अगेन लिमिट एच अप्रोचेस जीरो एफ ऑफ ए माइनस एच माइनस एफ ऑफ ए होल अपॉन एच. और ये जो लेफ्ट हैंड साइड का लिमिटिंग केस है ये कहलाता है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव. क्या कहलाता है? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव. डेफिनेशन को रट लो, बोर्ड पर घूरते रहो. हाँ बिल्कुल, प्रिंटिंग एरर, नीचे माइनस एच है. क्या बात समझ में आई से बच्चों को? वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन. एंड कब होगा डेरिवेबल? जब राइट हैंड साइड का लिमिटिंग केस और लेफ्ट हैंड साइड का लिमिटिंग केस दोनों कोइंसाइड कर जाएगा तो हम फंक्शन को क्या बोलेंगे? डेरिवेबल. दोनों लिमिटिंग केस कोइंसाइड कर जाएगा यानी दोनों स्लोप कोइंसाइड कर जाएंगे तो हम बोलेंगे कि एफ एक्स इज डेरिवेबल एट एक्स इक्वल टू एफ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू फाइनाइट. जैसे कंटिन्यूटी में हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालते थे, डेरिवेबिलिटी में भी. अब ये चैप्टर देखो, इस चैप्टर में दोबारा आप कुछ नई मैथमेटिक्स नहीं सीखोगे. क्यों? क्योंकि राइट हैंड डेरिवेटिव भी क्या है? लिमिट. जैसे बोलूंगा टू पर डेरिवेबिलिटी चेक करो, मैंने बोला x इक्वल टू पर डेरिवेबिलिटी चेक करो तो 2 प्लस एच माइनस एफ ऑफ टू अपॉन एच की लिमिट निकालनी है, एफ ऑफ टू माइनस एच माइनस एफ ऑफ टू अपॉन माइनस एच की लिमिट निकालनी. सबसे अच्छी बात यह है कि लिमिट चैप्टर के बाद आने वाले 6 चैप्टरों में कोई नई मैथमेटिक्स सीखने को नहीं मिलती. बस जो आपने फंक्शन आईटीएफ लिमिट में सीखा है उसको कैसे घुमा घुमा के लगाना है. कंटिन्यूटी के चैप्टर में लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट वैल्यू ऑफ फंक्शन, यहां पर आप कह रहे हो डेरिवेटिव, लेकिन डेरिवेटिव क्या है तो लिमिट ही. सबसे अच्छी बात है देयर इज नो न्यू अलजेब्रा टू बी लर्नड, नो न्यू मैनिपुलेशन टू बी अंडरस्टूड. व्हाट एवर यू हैव ऑलरेडी रेड, व्हाट एवर इज ऑलरेडी नोन टू यू, यू हैव टू सिंपली यूज इट. क्या ये दोनों बात समझ में आई? रुको, अभी गूढ़ रहस्य खुलने वाला है. कहते गाड़ी पहुंची है बच्चों की, जो राइट हैंड डेरिवेटिव है, ध्यान देखें रंग बिरंगी चीजों का इस्तेमाल कर लें. आइए, जो राइट हैंड डेरिवेटिव है ध्यान सुनो, राइट हैंड डेरिवेटिव को एफ डैश ए प्लस से डिनोट करते हैं. अरे जैसे राइट हैंड लिमिट में ए के ऊपर प्लस साइन लगा देते हैं वैसा ही इसी चीज को ऐसे भी लिख देते हैं कभी कभी कि डी वाई बाई डी एक्स आएट. ये बड़ी झंडी को क्या पढ़ा जाता है? आएट. क्या पढ़ते हैं? आएट ए प्लस. ए प्लस का मतलब कि डी वाई बाई डी एक्स इवेल्युएटेड एट. अब समझ गया होगा मैं क्या बोल रहा हूं, लेकिन बोलूंगा. लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को चिन्हित करते हैं एफ डैश ए माइनस, या इसी चीज को ऐसे भी लिख देते हैं डी वाई बाई डी एक्स आएट ए माइनस. ऊपर माइनस साइन लगा देते हैं. पावर में लगा हुआ प्लस या माइनस साइन हमको ये बताता है कि ए से चिन्हन मिनन बड़ा कि ए से चिन्हन मिनन छोटा. तो कोई भी फंक्शन दो, कैसे हमने टेंजेंट की भावना जो सेकंड में पढ़ी थी उसको कैसे मैथमेटिक्स में कन्वर्ट कर दिया. सीकेंट की स्लोप निकाली, उस पर लिमिट लगा दी. सीकेंट की स्लोप निकाली, लिमिट लगा दी, और हम फंक्शन को डेरिवेबल कहेंगे अगर एलएचडी इक्वल टू आर. रुको रुको, तीन रहस्य खुलने वाले. अच्छा देखो, जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों बराबर होती है तो बार बार एलएचएल आरएचएल कहने के बजाय हम उनको सिर्फ कह देते हैं लिमिट. अगर मैंने बोला ये लिमिट है तो इसका मतलब यार यही लेफ्ट हैंड लिमिट भी है और यही राइट हैंड लिमिट भी है. उसी प्रकार से अगर
अगर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं है तो लिमिट तो डज नॉट एग्जिस्ट हो गई। मान लो लेफ्ट हैंड लिमिट 2 आ गई, राइट हैंड लिमिट 3 आ गई, तो लिमिट तो डज नॉट एग्जिस्ट हो गई। लेकिन आप बोल सकते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट 2 है, फिर एक साइड की बात करेंगे, राइट हैंड लिमिट 3 है। तो अगर एलएचडी आरएचडी बराबर है, दोनों बराबर ही है, तो यही चीज कहलाती है डेरिवेटिव। जब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, देन द दिस क्वांटिटी इज सिंपली नोन एज डेरिवेटिव, और इसको लिखते हैं एफ डैश ए या डीवाई बाई डी एक्स एट ए। जो एलएचडी आरएचडी अगर बराबर होते हैं तो एक ही चीज है, तो उसको लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव ना कहकर सिंपली कह देते हैं दिस इज द डेरिवेटिव। क्या बात समझ में आई से बच्चों को? अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव अलग आ गया, राइट हैंड डेरिवेटिव अलग आ गया, तो डेरिवेटिव डज नॉट एग्जिस्ट, फंक्शन इज नॉन डेरिवेबल, फंक्शन इज नॉन डेरिवेबल। तो नॉन डेरिवेबल बेटे, फाइनाइट तो आई, एक भी इनफाइनाइट हुआ नॉन डेरिवेबल। एलएचडी भी एग्जिस्ट करना चाहिए, आरएचडी भी एग्जिस्ट करना चाहिए, दोनों बराबर भी हो और दोनों फाइनाइट भी हो। जैसे बहुत अच्छा क्वेश्चन है, उसमें एलएचडी भी इंफिनिटी आता है, आरएचडी भी इंफिनिटी आता है, तो एलएचडी आरएचडी बराबर तो है पर नॉन डेरिवेबल, क्योंकि फाइनाइट नहीं, इसलिए बिल्कुल साफ सुथरा सब लिखा हुआ है। हम फंक्शन को डेरिवेबल का बोलेंगे जब एलएचडी आरएचडी बराबर भी हो और फाइनाइट भी। क्या बात समझ में आई से बच्चों को? एक मिनट रुके, रबीर को राज खोलने वाले, क्या बात समझ में आई से बच्चों को? दो मिनट रुको, क्या बात समझ में आई से बच्चों को? अब सुनना बहुत ज्यादा ध्यान से, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर जो लिमिट लगाई जाती है आरएचडी में एच जीरो को टेंड कर रहा है, अच्छा एलएचडी में भी एच जीरो को टेंड कर रहा है, लेकिन आरएचडी में एच जीरो को टेंड करेगा हमेशा जीरो की बड़ी वैल्यू से, और एलएचडी में एच जीरो को टेंड करेगा हमेशा जीरो की बड़ी वैल्यू से। ध्यान रखना दोनों में ही, अरे बेटा अभी सुनो, राज पे राज है। ध्यान रखना जब राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की जो डेफिनेशन है, राइट हैंड डेरिवेटिव परिभाषा है, उसमें एच जो जीरो को टेंड करवाते हो वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। अब मैं समझाता हूं क्यों, मेरी बात सुनो। अगर तुमने एच को जीरो से चिनन मिनन छोटा कर दिया तो एच एक नेगेटिव क्वांटिटी हो जाएगी। जब ए में एच जोड़ोगे तो ए से बड़ा नहीं आएगा बल्कि ए से छोटा आ जाएगा। ओ क्या इसका हम यूज कर सकते हैं बोर्ड पर? देखो राइट हैंड डेरिवेटिव को आप ऐसे लिखिए जीरो प्लस, ये मैंने कुछ नया नहीं लिखा, ये मैंने उसी को दोबारा लिख दिया, या इसी चीज को ऐसे भी लिख सकते हो एच अप्रोचेस जीरो माइनस, दोनों ही राइट हैंड डेरिवेटिव है। देखो राइट हैंड शब्द का मतलब है जिस पॉइंट पर हो आप, एक्स इक्वल टू ए पर हो तो ए से बड़े को जोड़ो तो वो कहलाता है राइट हैंड। अब तुमने एच को खुद ही नेगेटिव कर दिया, एच खुद नेगेटिव था, एच नेगेटिव है और उसके आगे और नेगेटिव लगा है, तो कुल मिला के पॉजिटिव हो गया, तो राइट हैंड साइड में आ जाएगा। अब यहीं पर देखो, आप समझ गए होगे मैं क्या लिखने वाला हूं। वैसे उसी प्रकार से लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, प्लीज बोर्ड पर घूरते रहें, या इसी चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं कि जीरो माइनस, ये बहुत गूढ़ रहस्य है, बहुत लोगों को नहीं पता। जो आपकी डेफिनेशन है हर किताब में ऐसी दी होती है, लेकिन ध्यान रखना है, इसलिए रंग बिरंगे चौक से लिखा है, दोनों में ही वन साइडेड लिमिट होती है, दोनों में ही वन साइडेड लिमिट होती है। एक्चुअली जब आप लिमिट ले रहे होते हैं तो उसमें दोनों ओर की लिमिट देखी जाती है, लेकिन यहां पर हमेशा वन साइडेड लिमिट होती है। यहां पर एच जीरो से बड़ा लोगे, अरे अगर एच जीरो से बड़ा नहीं लोगे तो ए प्लस एच ए से आगे नहीं आएगा ना। What do you mean by right hand side? Right hand side मतलब plus h नहीं होता, उससे फर्क नहीं पड़ता। Right hand side मतलब a को आगे के point से जोड़ो। तो अगर तुमने h को negative कर दिया है, लेकिन यहाँ minus h लिख दिया, तो automatically a किससे जुड़ेगा? a के आगे के point से, तो हो गया right hand। Left hand का मतलब था a को जोड़ो a के पीछे के point से। अच्छा ये standard definition है actually, इसलिए मुझे तो खैर आपको extra explain करने के लिए लिख दिया मैंने, लेकिन ये ध्यान रखिए
राइट हैंड, द वर्ड राइट हैंड मीन्स जिस बिंदु पर खड़े हो उसको उसके आगे के बिंदु से जोड़, एंड द वर्ड लेफ्ट हैंड मीन्स जिस बिंदु पर खड़े हो उसको उसके पीछे के बिंदु से जोड़। क्या मेरी बात समझ में आई? क्या मेरी बात भली भांति समझ में आई? वेरी गुड। और ये ध्यान रखना बिल्कुल मन मंदिर में बसा लो, दोनों जगह जीरो प्लस होता है। और यही क्वांटिटी जब एलएचडी आरएचडी बराबर और फाइनाइट हो तो यही क्वांटिटी कहलाती है डेरिवेटिव, एफ डैश ए डी वाई बाय डी एक्स। यानी यहां से एक मिनट रुक जाओ, यानी यहां से लेटेस्ट जानकारी प्राप्त हुई। लेटेस्ट इधर देखो, अच्छा इस क्वांटिटी की जरा ज्योमेट्री पर देखो, ज्योमेट्री स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑन राइट हैंड साइड, ये राइट हैंड डेरिवेटिव है। स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑन लेफ्ट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है। अब जो दोनों बराबर हैं, यानी राइट हैंड साइड पर जो टेंजेंट की स्लोप है, अब मैं ज्योमेट्रिकली सोच रहा हूं, राइट हैंड साइड पर जो टेंजेंट की स्लोप है वही लेफ्ट हैंड साइड पर टेंजेंट की स्लोप है। अरे जब दोनों बराबर है, जिस स्थिति में दोनों बराबर है तो यानी टेंजेंट की स्लोप सेम है। अच्छा दोनों की स्लोप सेम है और पॉइंट भी सेम है, अरे यही तो है, तो अल्टीमेटली यू आर गेटिंग अ यूनिक टेंजेंट। तो यानी ज्योमेट्रिकली ये जो डेरिवेटिव है ये आपको क्या देता है? ज्योमेट्रिकली स्लोप ऑफ टेंजेंट एट एक्स इक्वल टू ए। ये देखो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की शुरुआत, किसी भी पॉइंट पर अगर मैं आपको कोई भी घटिया सा कर्व दे दूं जिसके बारे में आप कुछ थोड़ी बहुत तो फिजिक्स में बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ी होगी, मैं कोई भी कर्व दे दूं, मैं बोलूं y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक कर्व है, घटिया सा एग्जांपल, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक कर्व है, मैं बोलूं इसके ऊपर एक पॉइंट है जिसका x कोऑर्डिनेट 2 है और मैं आपसे बोल दूं फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, तो खट से आप करोगे। ओ टेंजेंट की इक्वेशन जानने के लिए, टेंजेंट एक लाइन है, लाइन की इक्वेशन जानने के लिए दो चीजें चाहिए, लाइन पर पॉइंट और लाइन का स्लोप। किसी भी लाइन की इक्वेशन जानने के लिए दो चीजें चाहिए, लाइन पर पॉइंट और लाइन का, बस बेटा बस। पॉइंट निकल के आ गया 2,4, अरे एक्स कोऑर्डिनेट दे दिया तो वाई कोऑर्डिनेट तो हम निकाल ही लेंगे। अब इकलौती चीज और चाहिए स्लोप, तो भैया स्लोप ऑफ टेंजेंट डी वाई बाई डी एक्स आए एक्स इक्वल टू 2। इस बड़ी झंडी को क्या पढ़ते हैं? आए। मैथमेटिशियंस क्या होते हैं? लिखने में आलसी होते थे तो ये हर चीज का सिंबल बना देते थे, बार बार अंग्रेजी फॉर ऑल का सिंबल ऐसे करके हर चीज सिंबल में लिखते थे। ये आ गया कितना? आ गया 4। स्लोप पता, पॉइंट पता, लीजिए डिस्कवरी कर रहे हैं। अब आप सोचो कैलकुलस कितनी स्ट्रॉन्ग है, कैलकुलस कितनी पावरफुल है। अब मैं ब्रह्मांड में कोई भी कर्व दे दूं आपको तो आप उसको डिफरेंशिएट करके उस पॉइंट पर टेंजेंट निकाल सकते हैं। बिकॉज अब देखो यहां से मर्जिंग शुरू होती है, जो अभी तक अपन अलजेब्रा अलजेब्रा कर रहे थे, नाउ ज्योमेट्री कोइंसाइड्स विद अलजेब्रा। द डी वाई बाई डी एक्स द डेरिवेटिव ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट्स द स्लोप ऑफ टेंजेंट एफ डैश ए is the slope of tangent to the curve y equal to fx at x equal to a। क्या क्वेश्चन समझ में आया सब बच्चों को? क्या ज्योमेट्रिकल कंसेप्ट पूरा समझ में आया? फंक्शन कब डेरिवेबल होगा समझ में आया? कैसे सीकेंट से सारी स्लोप निकाली गई? क्लियर है? कॉपी कर लीजिए। तो अपन ने मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ डेरिवेबिलिटी देख ली, तो उसको मैं एक बार लिख देता हूं कि fx will be derivable at x equal to a if, कब होगा derivable? जब left hand derivative equal to right hand derivative equal to finite। left hand derivative मतलब limit h approaches 0 plus, ध्यान रखना one sided होती है, बहुत ज्यादा important है, a minus h f a upon minus h, this becomes equal to लिमिट एच अप्रोचेस 0 प्लस एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच इक्वल टू फाइनाइट। ये जो इंपॉर्टेंट बात मैंने लिखी है, ये इंपॉर्टेंट बात सब बच्चों को याद रहनी चाहिए।
फंक्शन कब डेरिवेबल होगा। तो डेरिवेबिलिटी चेक करना भी बेसिकली लिमिट निकालना ही है। फंक्शन तब डेरिवेबल होगा व्हेन लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों बराबर हो और फाइनाइट हो। क्या तीन शुरू की तीन बातें समझ में आई सब बच्चों को? चौथी इंपॉर्टेंट बात कहती है पहले सी फिर डी। आईआईटी वाले जो है वो अक्सर आपसे बोलेंगे चेक डेरिवेबिलिटी। लेकिन आप डेरिवेबिलिटी नहीं चेक करेंगे, पहले कंटिन्यूटी चेक करेंगे और फिर डेरिवेबिलिटी। वो ये नहीं बोलेंगे चेक कंटिन्यूटी, वो तो चाहते हैं आप अटके और निकल जाएं। आपको हमेशा बोला जाएगा चेक डेरिवेबिलिटी, बट यू विल नेवर चेक डेरिवेबिलिटी, यू विल ओनली फर्स्ट चेक कंटिन्यूटी। आप सुनो ध्यान से, चेक कंटिन्यूटी, आप कंटिन्यूटी चेक करें। अब या तो कंटिन्यूअस आएगा या डिसकंटिन्यूअस आएगा। अगर डिसकंटिन्यूअस हो गया सीधे नॉन डेरिवेबल, अगर कंटिन्यूअस आ गया तब आप चेक करेंगे डेरिवेबिलिटी। अब इसके बाद या तो डेरिवेबल आएगा या नॉन डेरिवेबल आएगा। आइए इन सबके ज्योमेट्रिकल मीनिंग लिख दो। अगर कंटिन्यूअस भी है और डेरिवेबल भी है तो इसका मतलब होता है स्मूथ कर्व, बिल्कुल बढ़िया सा कर्व। कंटिन्यूअस है लेकिन डेरिवेबल नहीं है, इसका मतलब होता है शार्प कॉर्नर। ऐसे छू के देखेंगे चुभ सकता है। और डिसकंटिन्यूअस तो हो गया ब्रेक इन कर्व, कर्व ही टूट गया है। ध्यान रखना, आपको कभी कोई नहीं कहेगा चेक कंटिन्यूटी एंड डेरिवेबिलिटी, कभी बोलेगा ही नहीं। वो कंटिन्यूटी लिखते ही नहीं है, वो बोलते चेक डेरिवेबिलिटी एट एक्स इक्वल टू टू। आपसे बोला जाएगा डेरिवेबिलिटी, लेकिन आप याद रखेंगे पहले सी फिर डी। पहले कंटिन्यूटी चेक करिए, अगर कंटिन्यूअस है तो डेरिवेबिलिटी चेक करें, अगर कंटिन्यूअस ही नहीं है नॉन डेरिवेबल। पहले सी फिर डी, रट लो एकदम, फोन करो पापा को, पापा पूछो सी के बाद क्या आता है, पापा बोलेंगे डी, तो डी के पहले क्या आता है सी, पापा बोलो सही कह रहे हो आप। पहले सी फिर डी, कॉपी करें। अब हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं डेरिवेबिलिटी के क्वेश्चन। डेरिवेबिलिटी चैप्टर में एक ट्रिक है एक्चुअली, उस ट्रिक के चलते चैप्टर बहुत ज्यादा लल्लू जाता है। बस एकलौती बात यह है कि वो ट्रिक आप सीबीएसई बोर्ड में नहीं लगा सकते, जहां पर सॉल्यूशन दिखाना हो वहां नहीं लगा सकते। लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आप जब इस चैप्टर ओवर हो जाएगा तो मैथमेटिक्स में टोटल 42 जो चैप्टर है उनमें यह आपका सबसे ईजीएस्ट चैप्टर होगा, आपको सबसे ईजी लगेगा उस ट्रिक के बाद। बस वो ट्रिक सिर्फ जहां पर भी ऑब्जेक्टिवली सॉल्व करना वहां लग जाएगा, कहने का मतलब जहां सॉल्यूशन दिखाना हो वहां नहीं कर सकते, बाकी जहां सॉल्यूशन नहीं दिखाना हो। और वो ट्रिक कभी फेल नहीं करती, 200% श्योर टिकट, टेंशन नहीं लेनी। आओ आपको ट्रिक भी समझाएं और बोर्ड में कैसे करना है वो भी बताएं। एक छोटा सा फंक्शन हमको दे रखा है fx = 1, अगर x < 0 है। दूसरा दे रखा है 1 + sin x 0 से x π/2, 2 + x - π/2 का होल स्क्वायर, अगर x > π/2। बोलता है चेक डेरिवेबिलिटी एट x = 0 and x = π/2। 0 और π/2 पर आप सब लोग डेरिवेबिलिटी चेक कर लें, अच्छी बात है। देखो जानबूझकर बदतमीजी है ये, कंटिन्यूटी नहीं लिख रहा है ताकि हम अटक जाएं, लेकिन हमको पता है पहले सी फिर डी। ओके, शुरुआत करते हैं पहले x = 0 पर। तो x = 0 पर पहले क्या देखेंगे, कंटिन्यूटी फिर डेरिवेबिलिटी। कंटिन्यूटी अभी तक कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म तो है नहीं। 0 पर लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी 1, 0 पर वैल्यू ऑफ फंक्शन कितनी 1, कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है यार। 0 पर राइट हैंड लिमिट कितनी 1, तो है कंटिन्यूअस, चूंकि है ये कंटिन्यूअस
तब हम चेक करेंगे क्या डेरिवेबिलिटी। अब मैं आपको डेरिवेबिलिटी दो तरीके से चेक करके बताऊंगा। ट्रिक जो है ये कभी फेल नहीं करती किसी भी क्वेश्चन में लगाए, बस इतना ही है कि इसको जहां सॉल्यूशन दिखाना होता है ये सीबीएसई बोर्ड में आप नहीं लगा सकते। एक तो भैया जनरल मेथड पहले मैं बताऊंगा पूरा घिस घुसा के, आपको जीरो पर डेरिवेबिलिटी चेक करनी है बस भैया शुरू हो जाइए। राइट हैंड डेरिवेटिव होगा लिमिट एच अप्रोचेस जीरो प्लस, या प्लस हमेशा लिखा करें एक्चुअली उससे आपको फायदा होगा, एफ ऑफ जीरो प्लस एच माइनस एफ जीरो अपॉन एच एक्स इक्वल टू ए पर। राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होता था ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच, तो एक ही जगह क्या है जीरो। तसल्ली से करें तसल्ली से करें, जीरो प्लस तो एफ ऑफ एच माइनस एफ ऑफ जीरो अपॉन एच। आओ खेल शुरू हो गया। एफ ऑफ एच, एच जीरो से चिनन मिनन बड़ा है तो जीरो से चिनन मिनन बड़ा इसको देखेंगे तो एफ ऑफ एच कितना आ जाएगा वन प्लस साइन एच। सही कह रहा हूं यहां शुद्ध एफ ऑफ जीरो, एफ ऑफ जीरो कितना है वन। हंसी सी आ रही है कट साइन जीरो अपॉन सेम जीरो वन, ये आर एच डी निकला। लिमिट ही निकालनी है कुछ नया नहीं करना। आइए ध्यान से आइए एल एच डी की बात करें। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव वापस लिमिट एच अप्रोचेस जीरो प्लस, प्लस साइन गड़बड़ मत कर देना, एफ ऑफ जीरो माइनस एच माइनस एफ जीरो अपॉन माइनस एच, जो कि बन जाएगा एच अप्रोचेस जीरो प्लस एफ ऑफ माइनस एच माइनस एफ जीरो अपॉन माइनस एच। अब मेरी बात पकड़िए, एच जीरो से बड़ा है तो माइनस एच तो जीरो से छोटा हो गया, एफ ऑफ जीरो से छोटा यहां नहीं। कितने इंटेलिजेंट हैं आप लोग, और एफ ऑफ जीरो यहां से देखेंगे कि यहां से नीचे से इक्वल टू जीरो वन, शुद्ध जीरो अपॉन टेंडिंग टू जीरो जीरो, शुद्ध जीरो अपॉन टेंडिंग टू जीरो जीरो। दुख तकलीफ चिंता चिड़चिड़ापन, एल एच डी इज नॉट इक्वल टू, सो कंटिन्यूअस बट नॉट डेरिवेबल। ये तो हो गया जनरल मेथड, सांस फूल गई। और ट्रिक बताएं, ट्रिक इतनी जबरदस्त है कि आपको लगेगा अरे सर कंटिन्यूटी फालतू चक गई। सुनो इधर देखो, राइट हैंड डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, अल्टीमेटली जब जो राइट हैंड डेरिवेटिव है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, बिल्कुल ध्यान सुनो, आपको राइट हैंड और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कहां निकालना है जीरो, कहां निकालना है जीरो। सुनो इधर देखो, कुनवा में देखो, जिस पॉइंट पर आपको एल एच डी आर एच डी चाहिए, जिस पॉइंट पर आपको एल एच डी आर एच डी चाहिए, जिस पॉइंट पर आपको एल एच डी आर एच डी चाहिए, ए पर एल एच डी चाहिए, तो ए से चिनन मिनन छोटी डेफिनेशन को डिफ्रेंशिएट करके ए रख दो, मिल गया एल एच डी, और ए से चिनन मिनन बड़ी डेफिनेशन को डिफ्रेंशिएट करके ए रख दो, मिल गया आर एच डी। फिर बोल रहा हूं, आपको ए पर एल एच डी चाहिए तो ए से चिनन मिनन छोटी डेफिनेशन को डिफ्रेंशिएट करके ए रखो एल एच डी, ए से चिनन मिनन बड़ी डेफिनेशन को डिफ्रेंशिएट करके ए रखो आर एच डी। चलो तो आर एच डी हो जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ जीरो से चिनन मिनन बड़ी डेफिनेशन, तो जीरो से चिनन मिनन बड़ी डेफिनेशन का डेरिवेटिव एट जेक्स इक्वल टू जीरो, और एल एच डी हो जाएगा जीरो से चिनन मिनन छोटी डेफिनेशन का डेरिवेटिव एट एक्स इक्वल टू जीरो। तो वन प्लस साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स एट एक्स इक्वल टू जीरो, कॉस जीरो और कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव तो जीरो, वही आ गया। तो कुल मिला वो आएगा सेम ही, क्योंकि इसका मतलब ही क्या है, डिफरेंशिएशन ही तो है, डेरिवेटिव ही तो है। अब तुम चाहे इसे निकाल के जादू टोना करो, सीधे डिफरेंशिएट कर दो। क्या बात समझ में आई से बच्चों को। नेक्स्ट, ये हमारी कहानी हमने कह दी, अब हम बात करेंगे एट एक्स इक्वल टू पाई बाई टू, तो पाई बाई टू पर पहले किसकी बात होगी कंटिन्यूटी की,
कंटिन्यूटी भैया कोई इंटीग्रल फॉर्म नहीं है, लेफ्ट हैंड लिमिट वैल्यू ऑफ फंक्शन, राइट हैंड लिमिट। चलो बात करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करें, पाई बाई टू से चिन्हन मिनन छोटा टू, बोलो हाँ, वैल्यू ऑफ फंक्शन शुद्ध टू, राइट हैंड लिमिट भी टू। कोई इंटीग्रेट फॉर्म तो है नहीं यार, सीधे वैल्यू रख दो, काहे दिमाग लगा रहे हो, कोई दिक्कत। अब मैं ये फर्स्ट प्रिंसिपल नहीं लगा रहा हूं, अब डायरेक्ट करते हैं। बोर्ड पर देखो, आपको डेरिवेबिलिटी चेक करनी है, तो राइट हैंड डेरिवेटिव चेक करना है, तो पाई बाई टू से चिन्हन मिनन बड़ी डेफिनेशन, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, इसका डेरिवेटिव एट एक्स इक्वल टू पाई बाई टू, टू का डेरिवेटिव जीरो आ जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन टू टाइम्स एक्स माइनस पाई बाई टू एट एक्स इक्वल टू पाई बाई टू विच इज जीरो, खट से डेरिवेटिव निकल गया। आइए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की बात करें, पाई बाई टू से चिन्हन मिनन छोटा, तो डिफरेंशिएशन ऑफ वन प्लस साइन एक्स एट एक्स इक्वल टू पाई बाई टू विच इज कॉस एक्स एट एक्स इक्वल टू पाई बाई टू, बेहतरीन, एल एच डी इक्वल टू आर एच डी, तो कंटिन्यूअस एंड देखो इसमें क्या है, एल एच डी आर एच डी, इस चैप्टर में इकलौती चीज क्या पड़ी, एल एच डी आर एच डी, और वो हम डिफ्रेंशिएट करके एक लाइन में निकाल सकते हैं, इसलिए चैप्टर बहुत सबसे इजी चैप्टर है, इकलौती चीज जो इसमें सीखी थी वो इतनी आसानी से हो जाती है। आपको जिस पॉइंट पर एल एच डी चाहिए उससे चिन्हन मिनन छोटी डेफिनेशन को डिफ्रेंशिएट करके वो पॉइंट रखो, मिल गया एल एच डी। आपको जिस पॉइंट पर आर एच डी चाहिए उससे चिन्हन मिनन बड़ी डेफिनेशन को डिफरेंशिएट करके वो पॉइंट रखो, मिल गया आर एच डी। कॉपी कर लीजिए, कंगा दो। एक और क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कहता है एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर माइनस बी जब मॉड एक्स लेस देन वन हो, और माइनस वन बाई मॉड एक्स जब मॉड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू वन हो। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड ए एंड बी इफ एफ एक्स इज डेरिवेबल एट एक्स इक्वल टू वन। पहले तो मैं क्या सोच रहा हूं, ये मॉड को गायब कर लेते हैं, मॉड देख के अच्छा नहीं लगता मन को, ए एक्स स्क्वायर माइनस बी आ जाएगा मॉड एक्स लेस देन वन, यानी एक्स माइनस वन से वन के बीच में, सही कह रहा हूं मैं। अब यहां पर आ जाइए, मॉड एक्स वन से बड़ा है, मॉड मतलब मैग्नीट्यूड, अगर मॉड एक्स वन से बड़ा है तो या तो एक्स वन से या वन से बड़ा हो गया या एक्स माइनस वन से छोटा हो गया, ऑब्वियस सी बात है। मॉड एक्स अगर वन से बड़ा है, मैग्नीट्यूड अगर वन से बड़ा है, तो या तो एक्स खुद वन या वन से बड़ा है या एक्स माइनस वन से छोटा है। अगर एक्स वन से बड़ा है तो एक्स पॉजिटिव है, ऐसी स्थिति में माइनस वन बाई एक्स आ जाएगा, और एक्स अगर माइनस वन से छोटा है तो एक्स नेगेटिव है, तो मॉड एक्स माइनस एक्स बन के खुलेगा, तो ये वन बाई एक्स आ जाएगा। पहले मैंने मॉड को गायब किया, वैसे भी मैंने आपको समझा रखा है कि अगर पीस वाइज फंक्शन फंक्शन के अंदर है तो पहले उसको गायब करो। क्या ये समझ में आया? अब सुनो, हमको केवल वन पर बात करनी है, तो पहले हम बात करेंगे एट एक्स इक्वल टू वन, किसकी बात करेंगे? कंटिन्यूटी की। कंटिन्यूटी में कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट वैल्यू ऑफ फंक्शन, वन से चिन्हन मिनन छोटा यहां रखेंगे ए माइनस बी, वन से चिन्हन मिनन बड़ा यहां रखेंगे माइनस वन, शुद्ध वन भी यही रखेंगे माइनस वन। तो अगर कंटिन्यूअस होना चाहिए तो एक रिश्ता मिल गया ए माइनस बी इक्वल टू माइनस वन। अब कंटिन्यूटी के बाद नेक्स्ट क्या चेक करेंगे? डेरिवेबिलिटी। अब डेरिवेबिलिटी में तो हम तो ट्रिक करेंगे भाई, हम आलसी लोग हैं। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, वन से चिन्हन मिनन छोटी डेफिनेशन को डिफरेंशिएट करो, तो डी बाई डी एक्स किसका? ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एट एक्स इक्वल टू वन, ए एक्स स्क्वायर इसका डेरिवेटिव कितना आ जाएगा? टू ए एक्स एट एक्स इक्वल टू वन, तो कितना आ गया? टू। इतना इजी है कि क्या बोलूं, लेकिन बोल रहा हूं। राइट हैंड डेरिवेटिव इज डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस वन बाई एक्स एट एक्स इक्वल टू वन, उससे चिन्हन मिनन बड़ी डेफिनेशन डिफरेंशिएट करो, माइनस वन बाई एक्स का डेरिवेटिव
वन बाय एक्स स्क्वायर आ जाएगा, आठ एक्स इक्वल टू वन, ये चीज वन आ जाएगी। तो आप चाहते हो डेरिवेबल हो तो टू ए शुड बी इक्वल टू वन, दो इक्वेशन दो वेरिएबल, बात बन जाएगी। समझ में आया, इजी सा है। देखो ये चैप्टर थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता था अगर आपको हर बार यहां पर पूरी लिमिट निकालनी होती तो लंबाई बढ़ जाती, निकाल तो खैर लिमिट तो लेते ही, लेकिन इस हरकत के कारण चैप्टर बहुत इजी हो गया। एक और क्वेश्चन ध्यान देखें, क्वेश्चन कहता है कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स टेन इनवर्स वन बाय एक्स व्हेन एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, कुछ जादू होने वाला है, जीरो व्हेन एक्स इज इक्वल टू जीरो। फंक्शन हमको गिवन है एक्स टेन इनवर्स वन बाई एक्स व्हेन एक्स नॉट इक्वल टू जीरो एंड जीरो व्हेन एक्स इक्वल टू जीरो। तो हमको चेक करनी है, चेक कंटिन्यूटी एंड डेरिवेबिलिटी एट एक्स इक्वल टू जीरो। तो आराम से चेक करते हैं, देखिए वैसे भी कंटिन्यूटी नहीं बोलता, बोलता चेक डेरिवेबिलिटी, तो भी हम पहले क्या चेक करते, कंटिन्यूटी, क्योंकि पहले सी फिर डी। इजी चैप्टर है, इजी चैप्टर है बहुत। चलो बात करेंगे एट एक्स इक्वल टू जीरो पर, तो पहले किसकी बात करेंगे, कंटिन्यूटी की। तो कंटिन्यूटी की बात करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालेंगे। वैल्यू ऑफ फंक्शन तो जीरो ही आ रही है। राइट हैंड लिमिट का मतलब है लिमिट एक्स अप्रोचेस जीरो प्लस, और जीरो से चिन्हन मिनन क्या है, एक्स इंटू टेन इनवर्स वन बाय एक्स। प्लीज बोर्ड पर देखना, टेन इनवर्स ये जीरो से चिन्हन मिनन बड़ा है, तो वन बाई जीरो से चिन्हन मिनन प्लस इन्फिनिटी, टेन इनवर्स प्लस इन्फिनिटी पाई बाई टू, पाई बाई टू इंटू जीरो जीरो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है, ये कोई इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी या जीरो बाई जीरो नहीं है। नेक्स्ट लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करें तो लिमिट एक्स अप्रोचेस जीरो माइनस एक्स इंटू टेन इनवर्स वन बाई एक्स। फिर अब की बार एक्स जीरो चिन्ह छोटा है, इन्फिनिटी का कंसेप्ट बहुत अच्छे समझाया हुआ है, वन अपॉइंट जीरो माइनस इन्फिनिटी, टेन इनवर्स माइनस भी माइनस पाई बाई टू, लेकिन माइनस पाई बाई टू इंटू जीरो जीरो, बाहर यह है ना एक्चुअली एक्स, तो बैलेंस हो गया, तो बेहतरीन है कंटिन्यूअस। अब हम बात करेंगे डेरिवेबिलिटी की। इकलौता एक्सेप्शन जिस पर ध्यान देना है, टिरिक एक्सेप्शन ऑफ टिरिक, अगर आपको डेरिवेबिलिटी निकालनी है एक्स इक्वल टू जीरो पर, ये दोनों क्वेश्चन साथ में लेने की वजह है, अगर आपको डेरिवेबिलिटी निकालनी है एक्स इक्वल टू जीरो पर और फंक्शन के अंदर वन बाय एक्स हो, तो आपको फर्स्ट प्रिंसिपल से ही करना पड़ेगा। देखो यहां फंक्शन के अंदर वन बाय एक्स है, लेकिन यहां बात कहां करनी है, वन पर, तो डायरेक्ट कर लो, दोनों कॉम्बिनेशन बेटर है जी। इफ डेरिवेबिलिटी एट एक्स इक्वल टू जीरो एंड फंक्शन कंटेन्स वन बाय एक्स, देन डू बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, एफ पी मतलब भाई अपना स्टैंडर्ड तरीका, ध्यान रखना दोनों होने चाहिए, केवल वन बाय एक्स होने से बात नहीं बनेगी। जैसे यहां पर भी वन बाय एक्स था लेकिन हमने बेहतरीन डिफ्रेंशिएट कर दिया, अगर वन बाय एक्स है और एक्स इक्वल टू जीरो पर बात चल रही है तो आपको फर्स्ट प्रिंसिपल से ही करना पड़ेगा। अब बोर्ड पर देखें, अब आपको इस बात का फायदा दिखेगा जो एच अप्रोचेस जीरो प्लस हमने लिखा हुआ है, अब आपको समझ में आएगा क्यों वन साइड पर ध्यान देना है। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की बात करेंगे तो लिमिट एच अप्रोचेस जीरो प्लस रहेगा और यहां पर आ जाएगा जीरो माइनस एच माइनस एफ जीरो अपॉन माइनस एच। सही कह रहा हूं मैं, यही लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की परिभाषा है। हमेशा एल एच डी आर एच डी में या ये लिखना मत भूलना, गड़बड़ मत करना कभी, बहुत सारी जगह नहीं लिखा होता। ये बन गया एफ ऑफ माइनस एच अपॉन माइनस एच, क्योंकि एफ जीरो की वैल्यू तो जीरो ही हो गई। बस बेटा बस, रुलाओगे क्या, लिमिट एच अप्रोचेस जीरो प्लस एफ ऑफ माइनस एच इंटू टेन इनवर्स वन अपॉन माइनस एच
होल अपॉन माइनस एच, खटाक एच जीरो से चिन्हन मिनन बड़ा है तो माइनस एच नेगेटिव हो गया, वन अपॉन नेगेटिव माइनस इन्फिनिटी, टेन इनवर्स माइनस इन्फिनिटी माइनस पाई बाई टू। आप आराम से इसीलिए डिसाइड कर पाए क्योंकि आपको पता है कि एच अप्रोचेस जीरो प्लस है। क्या बात समझ में आई? नेक्स्ट देखिए, यहीं पर हम बात करेंगे आरएचडी की, राइट हैंड डेरिवेटिव। फिर ये आ जाएगा एच अप्रोचेस जीरो प्लस एफ ऑफ जीरो प्लस एच माइनस एफ जीरो अपॉन एच, जो कि बन जाएगा लिमिट एच अप्रोचेस जीरो प्लस एफ ऑफ एच अपॉन एच, क्योंकि एफ जीरो की वैल्यू कितनी है? जीरो। आराम से करिए, कुछ नया नहीं है, सब पता है आपको, कोई घबराने रोने की जरूरत नहीं है कि नहीं कि रुमाल निकाल के बैठ गए। जीरो प्लस एफ ऑफ एच कितना हो जाएगा? एच इंटू टेन इनवर्स वन बाई एच अपॉन एच, खटाक। अब देखो जीरो प्लस है तो वन अपॉन जीरो प्लस प्लस इन्फिनिटी, टेन इनवर्स प्लस इन्फिनिटी प्लस फाइव बाई टू, बा बा तो कंटिन्यूअस बट नॉट डेरिवेटिव। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? छाप लीजिए पूरा। एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन देखें, ऐसा ही बिल्कुल ध्यान देखिए। क्वेश्चन कहता है फंक्शन बहुत अच्छा दिया गया, जरा ध्यान देखिए। फंक्शन गिवन है एक्स e की पावर माइनस वन बाई मॉड एक्स प्लस वन बाई एक्स व्हेन एक्स नॉट इक्वल टू जीरो एंड जीरो एक्स इक्वल टू जीरो, और बोलता है चेक कंटिन्यूटी एंड डेरिवेबिलिटी एट एक्स इक्वल टू जीरो। एक्स इक्वल टू जीरो पर हमको चेक करनी है कंटिन्यूटी एंड डेरिवेबिलिटी। तो बात करेंगे एक्स इक्वल टू जीरो, सबसे पहले क्या चेक करेंगे? कंटिन्यूटी। चलो कंटिन्यूटी की बात करें, लेकिन कंटिन्यूटी वंटिन्यूटी कुछ भी चेक करने के पहले मेरे को ये मॉड अच्छा नहीं लग रहा, तो मैं सबसे पहले मॉड को हटाना चाहूंगा। बोर्ड पर देखिए, बोर्ड पर देखिए, एक्स जीरो पर तो फंक्शन की वैल्यू जीरो है, यहां लिखा एक्स नॉन जीरो। अब एक्स नॉन जीरो है तो या तो एक्स जीरो से बड़ा होगा या एक्स जीरो छोटा होगा, ऑब्वियस बात है। चलो मॉड हटा दें, अगर एक्स जीरो से बड़ा होगा तो मॉड एक्स तो एक्स ही बन गया, तो ये चीज बन गई एक्स इंटू ई की पावर माइनस टू बाई एक्स, और अगर एक्स लेस देन जीरो है तो मॉड एक्स माइनस एक्स बनेगा, तो दोनों कट जाएंगे, e की पावर जीरो वन, उधर केवल x आ जाएगा। समझ में आया? अब हम बात करेंगे एट x इक्वल टू जीरो, सबसे पहले हम बात करेंगे कंटिन्यूटी। लेफ्ट हैंड लिमिट, इधर देखो जरा, जीरो से चिन्हन मिनन छोटा जीरो, x तो लिखा हुआ है, कोई इंटरनल फॉर्म तो है नहीं, वैल्यू ऑफ फंक्शन जीरो। बोर्ड पर देखें राइट हैंड लिमिट, सुनो राइट हैंड लिमिट, एक्स जीरो से बड़ा है तो टू बाई एक्स जाएगा प्लस इन्फिनिटी, ई की पावर माइनस इन्फिनिटी जीरो, जीरो इंटू जीरो जीरो, चेक कर लिया अब आपने। अब हम बात करेंगे डेरिवेबिलिटी की, सबसे पहले लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव देखिए, यानी जीरो से चिन्हन मिनन छोटा, जीरो से चिन्हन छोटे पर केवल एक्स लगा है तो डायरेक्टली डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स एट एक्स इक्वल टू जीरो विच इज वन, एट एक्स इक्वल टू जीरो विच इज वन। लेकिन जब आप राइट हैंड डेरिवेटिव निकाल रहे हैं तो यहां वन बाई एक्स आ रहा है, तो इसको आपको करना पड़ेगा फर्स्ट प्रिंसिपल से। ध्यान रखना खास बात, अगर डेरिवेबिलिटी एक्स इक्वल टू जीरो पर चेक कर रहे हैं और उसमें वन बाई एक्स आ गया, तो भाई इसमें देखो इसमें दोनों और वन बाई एक्स था, तो एलएचडी भी फर्स्ट प्रिंसिपल से निकाली और आरएचडी भी फर्स्ट प्रिंसिपल से निकाली, लेकिन इसमें केवल एक और वन बाई एक्स है तो दूसरी ओर तो डायरेक्टली निकाल ली, लेकिन इस ओर बाई फर्स्ट प्रिंसिपल। आरएचडी की बात करेंगे तो लिमिट एच अप्रोचेस जीरो प्लस, प्लस भूलना नहीं है, एफ ऑफ जीरो प्लस एच माइनस एफ जीरो अपॉन एच, जो कि बन जाएगा लिमिट एच अप्रोचेस जीरो प्लस एफ ऑफ एच होल अपॉन एच, क्योंकि एफ जीरो की वैल्यू तो शुद्ध जीरो है, जीरो से चिन्हन मिनन मरा तो लिमिट एच अप्रोचेस जीरो प्लस एच ई की पावर
माइनस टू अपॉन एच अपॉन एच, खटाक जीरो से चिन्ह में बड़ा है तो टू बाई एच जाएगा प्लस इन्फिनिटी, प्लस इनटू माइनस माइनस इनफिनिटी, ई की पावर माइनस इन्फिनिटी जीरो। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव वन आया जबकि राइट हैंड डेरिवेटिव जीरो आ गया। तो वापस कंटिन्यूअस बट नॉट डेरिवेटिव। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? कॉपी कर लीजिए।